हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जियोग्राफी ग्रुप इन दिस एपिसोड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास नाइन्थ एसएसटी एस सोशल साइंस वर्कशीट नंबर सेवेंटी आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर इज़ द स्टोरी ऑफ हिटलर हिटलर की कहानी है ये कि कैसे एक आम सैनिक है सोल्जर है वो जर्मनी का चांसलर बन जाता है दिस इज द स्टोरी ऑफ जर्मनी कि कैसे जर्मनी है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीरो पर होता है और कैसे वो हीरो बन जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले और कैसे जर्मनी है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बड़ा कारण बनता है सो दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ दिस चैप्टर दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टू आज की इस वर्कशीट में हम 21 वन वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं यानी कि आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी लेंथी रहने वाली है बट पॉजिटिव साइड ये रहेगी इस वर्कशीट की कि हम इस 20 से 25 मिनट में कंप्लीट चैप्टर रिवाइज कर लेंगे बड़े अच्छे तरीके से दूसरी पॉजिटिव साइड ये है कि आज की इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो काफ़ी ईजी रहने वाले हैं लेट्स बिगिन एज इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन दिस इज आ वर्कशीट नंबर सेवेंटी सब्जेक्ट एस एस टी सोशल साइंस इन विच हिस्ट्री चैप्टर नंबर थ्री नाजम एंड द राइज ऑफ हिटलर है वो हम रिवाइज करने वाले हैं आज की दिनांक रहेगी डेट रहेगी ट्वेंटी सिक्स ऑफ डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी सो हे आर द ट्वेंटी वन क्वेश्चन आर देयर बट ऑल द क्वेश्चन आर गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वेरी ईजी वन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है विच जेनोसाइट वॉर हैड वेस्ड By जर्मनी अंडर द शेडो ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी जेनोसाइड क्या होता है नरसहार करना जनसहार आपने हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा मतलब किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल टुगेदर यानि कि बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ मार देना उसको बोलते हैं जेनोसाइड तो ये जेनोसाइड यानी कि ये कौन सा नरसहार था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी में होता है कि हमें बताना कि हुआ क्या था जर्मनी में एक्जैक्टली exactly. जर्मनी स्टार्टेड द जेनोसाइड इन द शेडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अंडर विच पीपल ऑफ सर्टिन एथनीसिटी लिविंग इन यूरोप किल्ड कलेक्टिवली कि इसमें कब हुआ ये ये हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और इसमें कुछ जो स्पेसिफिक एथनीसिटी के जो लोग थे प्रजाति नस्ल के जो लोग थे उनको टारगेट बनाया गया था दे किल्ड कलेक्टिवली उनको एक साथ मारा गया था अमंग दोज किल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड 60 लाख uh, 60 लाख ज्यूज इसमें 6 मिलियन होगा 60 लाख जूस या फिर आप सिक्स मिलियन जूस कह सकते हैं जिन लोगों को मारा गया था उसमें सिक्स मिलियन जूस टू लाख जिप्सीज एंड वन मिलियन सिटीजन ऑफ पोलैंड फॉर इंक्लूडेड यानी जिन लोगों को मारा गया था उसमें साठ लाख सिक्सटी लाख जूस थे उसमें वन लाख टू लाख जिप्सीज थे और वन मिलियन मीन्स जो दस लाख के आसपास पोलिश लोग थे जिनको टारगेट बनाया गया था ड्यूरिंग दिस टाइम सेवेंटी थाउजेंड जर्मन सिविलियन सिविलियंस डिक्लेयर मेंटली एंड फिजिकली डिसबल्ड और हैंडीकेप्ट व ऑल्सो कल्ड इसमें सिर्फ टारगेट उन लोगों को ही नहीं बनाया गया था जो विदेशी थे बल्कि जो जर्मन थे सेवेंटी थाउजेंड के आसपास जिनको मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ट डिकलेयर कर दिया गया था उनको भी मार दिया गया था सो दिस वन वॉज नॉन एज द जेनोसाइड इन द शेडो ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो चुपकी चुपकी इन लोगों को मार दिया गया था नाउ लेट्स मोटू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन दिया गया वाई डिड हिटलर एंड गोयल्स कमिटेड सुसाइड कमिट सुसाइड इन नाइनटीन फोर्टी फाइव हमें बताना कि हिटलर और गोयल्स ने नाइनटीन फोर्टी फाइव में सुसाइड कर लिया था क्यों किया हिटलर who created worldwide fear फियर ऑफ cruelty, was सो so badly ब्रोकन बाय the डिफीट that ही डिसाइडेड टू एंड हिमसेल्फ यानी उसे बड़ा सदमा लगता है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार होती है एंड ही डिसाइडेड टू किल हिमसेल्फ अपने आप को मारने का वो डिसीजन लेता है हिटलर एंड गोयबल्स गोयबल कौन था गोयबल वॉज द प्रोपगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर यानी कि जो प्रचार की कमान थी वो यही गोयबल्स था हिटलर एंड गोयबल कमिटेड सुसाइड बाय फियरिंग बीइंग कोट बाय द सोवियत फोर्सेस कि उन्होंने इस डर से सुसाइड कर लिया था कि अगर रशियन आर्मी है सोवियत आर्मी है उनके अगर हाथ लग गए तो पता ही था कि क्या हो सकता उनके साथ सो वर इन डिप्रेशन ड्यू टू द डिफीट ऑफ द जर्मनी पहला तो ये था एंड सेकेंड दे कमिटेड सुसाइड बाय फियरिंग बींग कोट बाय द सोवियत फोर्सेज सोवियत फोर्सेज से पकड़े जाने के डर से उन्होंने सुसाइड कर लिया था नाउ लेट्स टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है वट वॉज नॉट रिलाइज बाय द हेलमथ जो हेलमथ है उसने क्या महसूस नहीं किया क्या क्या नहीं समझा यह पूछा गया कि हेलमथ को क्या समझ में नहीं आया था तो ये है कौन पहले तो ये पता लगाइए कि ये हमारी एनसीआरटी की बुक में जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है सो एक करेक्टर दिया गया इस, आ, दिस दिस पर्सन वॉज अ चाइल्ड एट दैट टाइम ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उसको क्या समझ में नहीं आया ये हमें बताना है हेलमत फादर कमिटेड सुसाइड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हेलमत के फादर है वो सुसाइड कर लेते हैं बट हेलमत डिडेंट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम वाई हिज फादर सो सोस्ड एंड कमिटेड सुसाइड लेकिन हेलमत को ये समझ में नहीं आया कि उसके फादर इतने ड्रेवे क्यों थे और सुसाइड क्यों किया था एक्चुअली क्या था कि हेलमत फादर वॉजफिशियल इन नाजी पार्टी में एक ऑफिशियल थे इसलिए उन्होंने भी हिटलर की तरह डर के मारे सुसाइड किया था नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है वट वॉज द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स राइट योर थॉट अबाउट द अबाउट दिस ट्रीटी तो ये इस वर्कशीट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वट वॉज द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये क्या थी पहले तो हमें बताना है एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी आफ्टर द अलायज डिफिटेड जर्मनी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी वॉज फोर्स टू साइन अ पीस एग्रीमेंट कोल्ड द वर्साइल ट्रीटी यानी जर्मनी की हार होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलायज़ के हाथों अलायज में कौन थे ब्रिटेन फ्रांस रशिया यू एस ए और उसके बाद जर्मनी को फोर्स किया जाता है जर्मनी वॉज़ फोर्स टू साइन ए पीस ट्रीटी विथ दीज अलाइड कंट्रीज एंड दैट इज़ नॉन एज वर्साइल्स ट्रीटीज को कहते हैं ओके okay? तो एक संधि शांति संधि है वो शाइन की जाती है किसके द्वारा जर्मनी और जो जीते हुए राष्ट्र थे उनके द्वारा अब इसमें क्या क्या था ये हमें बताना है द मेजर प्रोविजन ऑफ द ट्रिटी वराइल फॉलोज जर्मनी वॉज फाइंड सिक्स बिलियन पाउंड्स जर्मनी के ऊपर सिक्स बिलियन पाउंड है वो जुर्माना लगाया जाता है बिकॉज जर्मनी Germany... वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वॉर जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया जाता कि ये जो युद्ध हुआ था जितना भी नुकसान हुआ वो सब कुछ तोड़ा वो आप दोगे ये सिक्स बिलियन पाउंड कितने होते हैं ये उस समय बयालीस हज़ार टन सोने के बराबर थे और इसकी जो लास्ट जो इंस्टॉलमेंट जी जो दी गई है किस्त जो भरी गई है वो अब अक्टूबर दो में लौटाई जर्मनी सोचिए कितना बड़ा जुर्माना था सो जर्मनी वॉज़ सिक्स बिलियन पाउंड्स सेकेंड द अलाइज ऑक्यूपाइड राइन लैंड विद मिनरल रिसोर्सेज साथ ही साथ जर्मनी हैड टू लोस्ट राइन लैंड है या वॉज ए रिसोर्सेज यानी जर्मनी का फ्रांस के साथ लगता राइन लैंड इलाका है एंड दैट इज लाइक दैट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटियो हमारे देश में वैसे ही वो है जर्मनी के सेवेंटी फाइव परसेंट के आसपास जो आयन और है कोल है तो वो सभी मिनरल्स उसी इलाके में पाए जाते थे वो छीन लिया गया उससे थर्ड जर्मनी हैड टू हैंड ओवर इट्स ओवरसीज कॉलोनीज उसकी ओवरसीज कॉलोनीज चली है। जाती है ओवरसीज कॉलोनीज मीन्स लाइक दैट इंडिया वॉज द ओवरसीज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन हम ब्रिटेन के कॉलोनी थे ऐसे ही जर्मनी की कॉलोनी थी वो छीन लेते हैं थर्टीन परसेंट ऑफ द लैंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द आयन रिजर्व ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ द कोयल रिजर्व टू फ्रांस पोलैंड एंड डेनमार्क सो जर्मनी लोस्ट थर्टीन परसेंट ऑफ इट लैंड सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ आयन ओ रिजर्व ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ कोयल रिजर्व्स एंड एज वेल एज इट्स ओवर सीज कॉलोनीज यानी कि सब कुछ उससे छीन लिया जाता है उसकी जो रिसोर्स लैंड है वो उसकी कॉलोनीज यानी ये सब कुछ भी उसे खोना पड़ता है फोर्थ अलाइड फोर्सेज ऑल्सो लिमिट द आर्म फोर्सेज ऑफ जर्मनी टू वाइप आउट द जर्मनीज पावर यानि जर्मनी की पावर को शक्ति को ताकत को कम करने के लिए उसकी जो आर्मी है वो भी फिक्स कर दी जाती है इट वॉज फिक्स टू जस्ट फाइव थाउजेंड कि पाँच हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगे सो so, ये थे प्रोविजन्स मेजर प्रोविजन ऑफ ट्रीटी ऑफ फरसाइल्स नाउ लेट्स मोटिफ क्वेश्चन हाउ वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट डीप इम्प्रिट इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटी हमें बताना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के यूरोपियन सोसाइटी और वहां की पॉलिटिक्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़े थे ओके okay. ये हमें बताना है इन द फेस ऑफ एग्रेसिव मिलिट्री प्रोपगेंडा इन पब्लिक एंड द डिजायर फॉर द ऑनर ऑफ नेशनल ऑनर एवरी थिंग इज सेकेंडरी सो so, पहला जो चेंज आया दैट मिलिट्री वॉज गिवन द प्राइम इंपॉर्टेंस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि द इन द फेस ऑफ द एग्रेसिव मिलिट्री प्रोपगेंडा इन पब्लिक लाइफ यानी कि मिलिट्री प्रोपगेंडा मिलिट्री का प्रचार प्रसार ज़्यादा बढ़ गया एंड द डिजायर फॉर ऑनर ऑफ नेशनल ऑनर टू और देश का सम्मान था वो ऊपर हो गया एंड एवरी थिंग एल्स सेकेंडरी यानी कि बाकी विकास की बात करते हैं डेवलपमेंट एजुकेशन वो पीछे रह गया सो मिलिट्री नेशनल ओनर एंड मिलिट्री पर्सनल्स दे वर गिवन द प्रायोरिटीज एट दैट टाइम आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इनको प्रायोरिटी दी जानी शुरू कर दी सेकेंड पोलिटिशियंस एंड कैंपेनर्स बिगेन टू इंसिस्ट दैट मेन शुड बी एग्रेसिव पावरफुल एंड मैस्कुलाइन साथ ही साथ जो लोगों का माइंड सेट भी ये हो गया कि जो मेल है मेन है वो अग्रेसिव होना चाहिए पावरफुल होना चाहिए मेस्कुल होना चाहिए यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारा जो फोकस था वो किसके ऊपर था आर्मी के ऊपर पावर के ऊपर नेशन के ऊपर इनके ऊपर आ गया था थर्ड जो चेंज आया दैट वॉज द डिक्टेटरशिप बिकम मोर पॉपुलर दैन डेमोक्रेसी स्पेशली इन जर्मनी जर्मनी फेस्ड डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी हैड टू फेस द डिफीट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड पीपल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल वीमर रिपब्लिक को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं वो क्या थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो लोगों को लगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम की नहीं है सो अगेन द डिक्टेटरशिप बिकेम पॉपुलर अमंग द पीपल लोगों में डिक्टेटरशिप है वो पॉपुलर हो गई तो हमें तीन पॉइंट बताने पहला दैट मिल्ट्री एंड एज वेल एज नेशन दे बिकम द प्रायोरिटीज़ इन द पॉलिसीज मिल्ट्री और नेशन है वो प्रायोरिटी बन गए थे पॉलिसीज़ में सेकेंड द पीपल फोकस्ड ऑन सजेस्टेड दैट द मीन शुड बी अग्रेसिव पावरफुल एंड मेस्कुल इसके ऊपर फोकस किया गया था एंड थर्ड जो चेंज आया वो ये था कि डिक्टेटरशिप बिकम मोर पॉपुलर एज कम्पेयर टू द डेमोक्रेसी नाउ लेट मोटू दिक्कत क्वेश्चन जो दिया गया सिक्स क्वेश्चन है कि वट वॉज द स्पार्टसिस्ट लीग एंड वट वार इट्स इफेक्ट तो स्पार्टसिस्ट लीग क्या थी ये हमें बताना और उसके इफेक्ट्स क्या थे सो द स्पार्टसिस्ट लीग वॉज ए पोलिटिकल पार्टी इन जर्मनी लाइक दैट ऑफ ए नाजी पार्टी है तो ऐसे ही एक पोलिटिकल पार्टी थी है. पहली चीज़ समझ में आ गई ना क्या थी ये एक पोलिटिकल पार्टी थी दैट अपोज द विमर रिपब्लिक का ये अपोज करते हैं उसके खिलाफ थे दे ऑर्गनाइज रेवोल्यूशन इन जर्मनी नाइनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन में एक रेवोल्यूशन भी करते हैं जर्मनी में लेटर द स्पार्टिसिस्ट फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बाद में वो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के नाम से एक पोलिटिकल पार्टी भी बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन विच चेंज अकर्ड इन द इकोमी ऑफ जर्मनी आफ्टर फ्रेंच ऑक्यूपेशन ऑफ इट्स द रूअर एरिया अब इसमें हमें दो चीजें समझनी है पहले तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन है कि विच चेंज अकर्ड इन द इकोमी ऑफ जर्मनी आफ्टर फ्रेंच ऑक्युपेशन ऑफ इट्स रूअर एरिया जर्मनी का एक रूहर एरिया है ऑन द साइड ऑन द वेस्टर्न साइड जो फ्रांस के साथ लगता है एंड दिस रूहर एरिया इज रिसोर्स रिच यानी उनके कोल या आयन और है वो उसी एरिया में मिलते हैं दिस एरिया वॉज ऑक्युपाइड बाय द फ्रांस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस इसके ऊपर कब्जा कर लेता है तो हमें बताना है कि उसके बाद जर्मनी की इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा इसका ओके सो मोस्ट मिनरल बेस्ड मोस्ट ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कैम टू अ डाउन स्टील्स और द स्टेन स्टील्स यानी कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी जो मिनरल बेस्ड थी जिनका रॉ मेटेरियल मिनरल था वो ठप हो गई सो मोस्ट ऑफ द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज केम टू ए स्टैंड स्टिल सेकेंड देर वॉज ए शॉर्टेज ऑफ आयन ओर एंड कोल इन द कंट्री देश में आयन ओर की और कोल की कमी हो जाती है थर्ड इकोनॉमी ऑफ जर्मनी डी रेल डी रेल्ड होता है पटरी से उतर जाना जर्मनी की पूरी अर्थव्यवस्था है वो पटरी से भी उतर गई नाओ लेट्स टू द एथ क्वेश्चन एट क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हाउ डिड इट इफ अफेक्ट जर्मनी इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था पहली चीज़ तो हमें यह बताने की है क्या और फिर बताना कि की जर्मनी के की ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा बिटवीन नाइनटीन टू नाइनटीन द होल वर्ल्ड वॉज इन द ग्रिप ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस यानी 1929 से 1933 के बीच में पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है इकोनॉमिक डिप्रेशन मतलब जिसको हम हिंदी बोलते हैं महामंदी आ जाती है एंड दिस इज ऑल्सो नॉन एज इकोनॉमिक क्राइसिस जिसको हम इकोनॉमिक क्राइसिस बोलते हैं आर्थिक संकट हिंदी में कहेंगे ओके okay. अब हमें बताना है कि हाउ डिड इट अफेक्ट जर्मनी जर्मनी के ऊपर इसका क्या अफेक्ट पड़ा फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिक्रीज बाय 40 परसेंट इन 1932 थर्टी टू एज कंपेयर टू नाइनटीन यानी कि सिर्फ थ्री ईयर्स में ही जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 40 परसेंट कम हो जाता है यानी कि उनकी इंडस्ट्रीज है उनको एक बड़ा झटका लगता है सेकेंड फैक्ट्रीज़ क्लोज फैक्ट्रीज़ वर शट डाउन इन लार्ज नंबर्स बड़ी संख्या में फैक्ट्रीज़ है वो बंद हो जाती है थर्ड बिजनेस ऑल्सो क्लैप्सड सो द बिजनेस यानी जो बिजनेस होता है जर्मनी का वो भी क्या हो जाता है कोलैप्स हो जाता है बर्बाद हो जाता है और ऐसा ही फिर बिजनेसमैन के साथ हुआ था नेक्स्ट जो असर था दैट वाज ऑन द फार्मर्स द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव गोन डाउन ड्रास्टिकली एंड इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू फीड दम सेल्स यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके दाम धड़ाम से नीचे आ जाते हैं और फार्मर्स के लिए रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं यानी कि पेट बढ़ना भी मुश्किल हो जाता है द वर्कर्स आय द बिकम अन्प्लॉयड और गोट रेड्यूस्ड वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इनक्रीज एट दैट पीरियड उस पीरियड में जो अनएम्प्लॉयमेंट है बेरोजगारी है वो काफ़ी तेजी से बढ़ती है काफ़ी सारे जो वर्कर्स है आइदर दे हैड टू लोज देयर जॉब या तो उनकी जॉब चली गई और गो ट्रेड्यूस वेजेस यानी कि उनकी सैलरी थी वो काफ़ी कम हो गई तो ये सब कुछ हुआ क्या क्या हुआ बर्बाद हो गए थे व्यापारी बर्बाद हो गए थे ट्रेडर्स वर यून एंड फैक्ट्रीज वर क्लोज डाउन इन लार्ज नंबर्स बिजनेस कोलेप्सड एंड द प्राइसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव गोन डाउन ड्रास्टिकली एंड इट हैज बिकम डिफिकल्ट फॉर द फार्मर्स टू फीड दम सेल्स और पांचवां जो इफेक्ट था दैट अनइम्प्लॉयमेंट इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग दैट पीरियड तेजी से बढ़ती है बेरोजगारी सो ये थे इफेक्ट ऑन जर्मनी नाउ लेट्स मोटू द नाइन्थ क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन है वट वर दोज क्वालिटीज ऑफ हिटलर विच इम्प्रेस द पीपल ऑफ राइट दोज क्वालिटीज ऑफ हिटलर विच इम्प्रेस द पीपल ऑफ जर्मनी हमें उन क्वालिटीज़ की बात करनी है जिससे वहाँ के लोग इम्प्रेस हो गए थे हिटलर से तो पहला था एक्सीलेंट स्पीकर हिटलर वॉज अन एक्सीलेंट स्पीकर बहुत अच्छा वक्ता था स्पीच अच्छी देता था एंड ही हैड द दैट टाइप ऑफ आर्ट टू कनेक्ट विद द पीपल कि लोगों से कैसे कनेक्ट होना है ही जनरली वॉज नॉट ए गुड स्पीकर अगर शुरुआत में हम देखा जाए बट हीज़ गुड या पॉजिटिव साइड ये थी कि वो लोगों से बातचीत करता था यानी कि जब स्पीच देता था तो वो लोगों से बोलता था सो पीपल रियलाइज दैट ही इज टॉकिंग टू अस एंड ही इज टोकिंग अबाउट अस सो ही बिकम वेरी पॉपुलर तो पहला था कि ही वॉज एक्सिलेंट स्पीकर ही न्यू दैट वट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक वो जानता था कि क्या बोलना है और कब बोलना है कैसे बोलना है सो so, पहला उसका जो पॉपुलैरिटी का कारण था कि वो एक अच्छा स्पीकर था सेकंड लीडरशिप क्वालिटी ही वाज़ ए वेरी गुड लीडर एक्सेलेंट लीडर ही ऑर्गनाइज नॉट ओनली द नाजी पार्टी बट वेरियस ऑर्गेनाइजेशन टू एंड दैट हेल्प्ड इन द ग्रोथ ऑफ द नाजी आइडियोलॉजी के डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प मिलती है तो वो एक अच्छा लीडर भी था सेकेंड ड्रीम ऑफ ए ब्राइट फ्यूचर उसके जो प्रोमिसज थे दोज प्रोमिस ऑल्सो हेल्प्ड इन द राइज ऑफ द हिटलर और इन हीज पॉपुलैरिटी यानी कि उसकी पॉपुलैरिटी में उसके जो वादे किए गए थे उन्होंने भी बड़ी हेल्प की ही प्रोमिस टू द जर्मन पीपल और द जर्मन यूथ अबाउट द एम्प्लॉयमेंट कि अगर वो पावर में आएगा तो बेरोजगारी तो रहेगी नहीं सेकेंड ही प्रोमिस्ड अब टू अन डू द इनजस्टिस ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल उन्होंने ये भी कहा कि जो वर्षाए की ट्रीटी में हमारा जो अपमान हुआ है उसका हम बदला ले लेंगे ओके एंड ही ऑल्सो प्रोमिस टू मेक जर्मनी वंस अगेन ए सुपर पावर तो ये जो दुखती रग थी लोगों की उस पर हाथ रख दिया उसने क्योंकि उस वक्त जो लोग थे वो इन्हीं चीज़ों से तंग थे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनजस्टिस ऑफ द ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स एंड जर्मनी वॉज नॉट ए सो पावरफुल कंट्री एट दैट टाइम तो उसने यही प्रोमिस किए तो इससे भी वो पॉपुलर हो गया कि हिटलर अगर आएगा तो सब कुछ ये करके कर देगा सेकेंड प्रोमोशनल आर्ट ही वॉज वेरी गुड इन प्रमोशन टू उसे पता था कि कैसे खुद की मार्केटिंग करनी है ही यूज्ड मीडिया एंड द लैंग्वेज वाइजली बहुत अच्छे तरीके से वो मीडिया को यूज़ करता है इवन जो उसके अगेंस्ट में थे अपोजिशन में थे उनका मजाक उड़ाया जाता था सो दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स ही वॉज एक्सलेंट स्पीकर एंड ही वॉज ए वेरी गुड लीडर एंड द ड्रीम ऑफ ए ब्राइट फ्यूचर मीन्स हीज प्रोमिसज एंड द प्रमोशनल आर्ट हेल्प्ड हीम टू बिकम पॉपुलर अमंग द जर्मन पीपल जर्मन लोगों में वो पॉपुलर हो जाता है इन सब के कारण टलर टू एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप कि हिटलर ने अपनी डिक्टेटरशिप के लिए क्या किया यानी अपने को तानाशा बनाने के लिए उसने क्या किया हिटलर पास्ट द इनेबलिंग एक्ट ऑन मार्च थर्ड नाइनटीन थर्टी थ्री टू एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप यानी खुद को डिकटेटर डिकलेयर करने के लिए नाइनटीन थर्टी थ्री में वो एक एक्ट लेके आते हैं द फेमस इनेबलिंग एक्ट जो अलग से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनेबलिंग एक्ट के बारे में क्या जानते हो सो हिटलर पास द इनेबलिंग एक्ट ऑन मार्च थर्ड नाइनटीन थर्टी थ्री टू एस्टेब्लिश हिज डिक्टेटरशिप द मेजर प्रोविजन ऑफ हिस्स ऑफ विच वर्क एज फॉलोज यानी इस जो इनेबलिंग एक्ट की बात करें कि जिससे डिक्टेटर बन गया तो इसमें क्या था ऐसा पहला एक्सेप्ट द नाजीज एंड देयर अलाइज ऑल अदर पोलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर वेन्ड यानी नाजी पार्टी को छोड़ करके या उससे जो रिलेटेड जो पोलिटिकल पार्टीज थी उनको छोड़ करके बाकी सभी पोलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस को बेन कर दिया गया यानी कि मैदान साफ हो गया एक ही पार्टी रह गई नाजी पार्टी सेकेंड द स्टेट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी मीडिया एंड आर्मी एंड जुडिशरी यानी यही चीज़ें होती है इकोनॉमी मीडिया आर्मी जुडिशरी उनके ऊपर इस एक्ट के बाद वो टोटल कंट्रोल ले लेता है थर्ड अंडर दिस इनेबलिंग एक्ट हिटलर गोट ऑल द पावर्स टू रूल्स बाई पासिंग द पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट है वो नाम की रह गई थी हिटलर के पास सारी पावर आ जाती है आफ्टर द इनेबलिंग एक्ट यानी उसने क्या क्या किया कि अंडर द इनेबलिंग एक्ट एक्सेप्ट द नाजीज एंड देयर अलाइज ऑल अदर पोलिटिकल पार्टीज वर बैंड सभी पोलिटिकल जो बेन कर दी जाती है एंड ही गोट द कम्प्लीट कंट्रोल ओवर द इकनॉमी मीडिया आर्मी एंड जुडिशरी इनके ऊपर कंप्लीट डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है एंड ही गोट ऑल द पावर्स एंड नाउ द पार्लियामेंट रिमेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम यानि कि नाम की ही रह गई थी तो इन सब के बाद हिटलर है वो डिक्टेटर बन जाता है नाउ लेट्स द इलेवंथ क्वेश्चन इलेवेंथ क्वेश्चन है विच सक्सेस डिड हिटलर एक्वायर इन हिज फॉर्न पॉलिसी हमें उनकी फॉरन पॉलिसी के बारे में बताना है कि उनकी फॉर्न पॉलिसी में जो विदेश नीति थी, थी उसमें उसे कौन कौन सी सफलता मिली थी सो हिटलर ड्रोव जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इन 1933। सबसे पहले उन्होंने जो कदम उठाया कि 1933 थर्टी थ्री ही ड्रो आउट द जर्मनी फ्रॉम लीग ऑफ नेशन अब ये लीग ऑफ नेशन क्या था अभी हमारे पास है यू एन नो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हिंदी में बोलते हैं तो उस वक्त लीग ऑफ नेशन होता था दैट वॉज ए वीक ऑर्गेनाइजेशन था कमजोर था सो so, ही टेक आउट और ड्रो आउट जर्मनी फ्रॉम लीग ऑफ नेशन 1933 और लीग ऑफ नेशन से बाहर आने का मतलब ये था कि अब उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था कि उस ये ये करे या ये ना करे तो ये पहला सक्सेसफुल जो एफर्ट था उसका फोन पैलेसी में देन दे कैप्चर्ड द राइन लैंड इन 1936 1936 में वो राइन लैंड को वापस ले लेते हैं फ्रॉम फ्रांस जो फ्रांस ने कब्जा कर लिया था आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड इन नाइनटीन इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी अंडर द स्लोगन वन मेन वन एम्पायर वन लेटर इस स्लोगन के साथ वो 1938 में ऑस्ट्रिया पर भी कब्जा जमा लेते हैं इन सेप्टेम्बर नाइनटीन जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड एंड दस वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड पिगेन यानी 1939 में जर्मनी पोलैंड के ऊपर भी हमला कर देता है और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है क्योंकि लगा कि अगर पोलैंड पे वो बंदा जा सकता है तो फ्रांस भी पड़ोस में ही है तो इसके साथ ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है तो ये शुरुआती उसकी कुछ सफलताएँ थी जो सक्सेस उसको मिलती है फोन पैलेस में लेकिन यही नहीं रुकता वो नाइनटीन में ए ट्रीपाटाइट एग्रीमेंट वो साइंड बिटवीन जर्मनी इटली एंड जापान एंड दैट बूस्टेड द पावर ऑफ हिटलर यानी हिटलर की शक्ति वो कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि अब जापान और इटली उनके साथ भी एक पैक्ट है वो साइन हो जाता है एग्रीमेंट साइन हो जाता है यानी वो डिसाइड करते हैं कि हम मिल करके लड़ेंगे सो दीज वर द इनिशियल हिटलर्स फोर्न पॉलिसी यानी उसकी विदेश नीति में शुरुआत में ही ये सफलताएं उसको मिलती है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई अटैकिंग सोवियत यूनियन इन जून नाइनटीन अ हिस्टोरिकल ब्लंडर ऑफ हिटलर हमें बताना है कि हिटलर ने 1941 में सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर दिया था सॉरी एंड इट वॉज अ हिस्टोरिकल ब्लैंडर ऑफ हिटलर कि हिटलर की एक बड़ी भूल थी कैसे थी हमें ये बताना है द अटैक ऑन सोवियत यूनियन वॉज अ हिस्टोरिकल ब्लैंडर ऑफ हिटलर बिकॉज नाउ द जर्मन आर्मी हैड टू फाइट सीमटलेसली ऑन बोथ फ्रंट्स यानी अब जर्मनी को क्या हुआ कि दे हैड टू फाइट ऑन द बोथ फ्रंट्स ऑन द सेम टाइम यानी कि ईस्टर्न साइड में दे हैड दे हैव टू फाइट दे हैड टू फाइट अगेंस्ट Soviet यूनियन और वेस्टर्न साइड की बात करें तो उन्हें फ्रांस के साथ लड़ना पड़ रहा था इससे क्या हुआ उसकी जो आर्मी की पावर थी वो आधी हो गई क्योंकि दोनों साइड से वो लड़ रहे थे सेकेंड जो गलती यहाँ पे की दैट सेकेंड वॉर लास्ट लॉन्ग एंड लेड टू द डिफीट ऑफ द जर्मनी दूसरी ये था कि हिटलर डिडेंट एक्सपेक्ट ए लॉन्ग वॉर ऑन ऑन द ईस्टर्न फ्रंट उसे लग रहा था कि रशिया पे हमला कर दिया गया सोवियत यूनियन के ऊपर हमला कर दिया गया और कुछ ही दिनों में युद्ध खत्म हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ द वॉर लास्ट ए लॉन्ग एंड दैट लेड टू द डिफीट ऑफ द जर्मनी और इसी के कारण जर्मनी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार होती है तो ये दो गलतियाँ दो कारणों से ये गलती थी पहला कि नाउ द जर्मन आर्मी हैड टू फाइट ऑन बोथ फ्रंट्स ऑल टुगेदर सेकेंड द वर्ल्ड लास्ट एड लॉन्ग ऑन द ईस्टर्न फ्रंट एंड दैट लीड टू द डिफीट ऑफ द जर्मनी इन सेकंड वर्ल्ड वॉर जिसके कारण जर्मनी की हार होती है यहाँ पर सोवियत यूनियन हमने वर्ड यूज किया सोवियत यूनियन मीन्स एट दैट टाइम इंक्लूडिंग रशिया फिफ्टीन कंट्रीज वार देयर इन सोवियत यूनियन उसको सोवियत यूनियन कहा जाता था अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया एक अलग कंट्री हम इंक्लूड करेंगे सो so, जब उन्होंने अटैक किया तो ये इट वॉज अटैक्ट ऑन द रशियन पार्ट के ऊपर अटैक किया गया था सो so, इसको अगर हम रशिया कहेंगे तो भी ये हमारा आंसर सही रहेगा नाउ लेट्स मूव टू द दर्टींथ क्वेश्चन वीन एंड वाई डिड अमेरिका एंटर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमें बताना है कि अमेरिका कब और क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेता है द यूनाइटेड स्टेट्स वॉज नॉट रेडी टू फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वंस अगेन दैट वर कोज बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका अपनी मर्जी से कूद गया था और यह बात हो गई थी कि आ वेल मुझे मार बिकॉज आफ्टर दैट दे हैड टू फेस ए लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी थी सो यूनाइटेड स्टेट वॉज नॉट रेडी टू फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वंस अगेन दैट वर कोज बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रॉब्लम आई थी उसमें दोबारा वो फंसना नहीं चाहता था बट वेन जापान बम्प्ट यूएस बेस एट पर्ल हार्बर द यू एस हैड टू जॉइन वर्ल्ड वॉर सेकेंड इन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी वन लेकिन जब जापान ने पर्ल हार पर जो यू एस का नेवी बेस था उस पर हमला कर देता है तो मजबूरी में यू एस हैड टू ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व होना पड़ता है कब दिसंबर नाइनटीन फोटी वन में सेवन्थ ऑफ दिसंबर नाइनटीन फोटी वन में जापान अटैक करता है और एलेवंथ ऑफ दिसंबर नाइनटीन फोटी वन में जो यू एस है वो जॉइन करता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को

पीपल आर फॉर द स्टेट नॉट द फॉर द नॉट द स्टेट फॉर द पीपल यानी वो ये मानता था कि लोग हैं वो स्टेट के लिए होते हैं देश के लिए होते हैं देश लोगों के लिए नहीं होता हिटलर वॉन्टेड टू रूट आउट डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म हिटलर है वो डेमोक्रेसी या कम्युनिज्म है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था एंड हिटलर कंस्टर्ड वॉर एंड द यूज ऑफ पावर नेसेसरी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द किंगडम और हिटलर था ही बिलीव्ड इन द वॉर वो युद्ध में विश्वास रखता था

एंड द जूज एट द बॉटम एंड दे वॉन्टेड टू क्लीन द वर्ल्ड फ्रॉम दिज अंडेजल सभी अंडेजायबल को वो मारना चाहते थे जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं तो वो आप ऐड कर सकते हो इस क्वेश्चन में नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टींथ क्वेश्चन है वट वॉज द प्योर हेल्दी नोडिकारे सोसाइटी ऑफ द नाजीज नाजीज बात क्या करते थे कि प्योर हेल्दी सोसाइटी होनी चाहिए अब ये थी क्या अकॉर्डिंग टू नाजिजम ब्लॉन्ड, ब्लू आईड नोडिक जर्मन आर्यन इज द बेस्ट ब्रीड। अब जो नाजम थे वो क्या मानते थे कि जो ब्लॉन्ड ब्लू आई वाले जो नोडिक जर्मन आर्यन हैं, वो बेस्ट ब्रीड, बेस्ट रेस है यानी कि सबसे ऊपर की रेस है वो यही है यानी कि इनसे अच्छी नस्ल कोई है ही नहीं एंड पीपल शुड मैंटेन दिस प्योरटी एंड जर्मन आर्यन हैज द राइट टू डोमिनेट दर्ल्ड और उनको इस प्योरिटी को बचा के रखना मीन्स दैट दे नीड नॉट टू बी इन रिलेशनशिप विद द नॉन जर्मन आर्यस के साथ उन्हें रिलेशन मेंटेन नहीं करना यानी कि उनको अपने ब्लड को प्योर रखना है एंड जर्मन आर्यस हैज़ द ड्राइट टू डोमिनेट द वर्ल्ड क्योंकि वो टॉप पर थे तो वो ये भी मानते थे कि हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सकते हैं बिकॉज वी आर ऑन टॉप तीस पीपल ड्रीम्ड ऑफ ए रेसिज्म नेशन ऑफ प्योर जर्मन और इसके साथ साथ वो एक नेशन का सपना देखते थे किसका देश हो प्योर जर्मन का हो प्योर जर्मन एंड हेल्थी नोडिकॉन्टेड टू इरेडिकेट ऑल दैट दे कंस्टर्ड अनडेजायरबल कि वो चाहते थे उनका जो सपना था कि एक ऐसा देश हो जिसमें केवल जर्मन आरियस हो एंड दे वॉन्टेड टू इरेडिकेट ऑल द अनडेजायरबल्स यानी अनडेजायरबल है उनका वो सफाया चाहते थे अनडेजायबल कौन से थे जिप्सीज ज्यूज पॉलिश एंड द डिसबल्ड पर्सनस ऑफ जर्मन ओरिजन उनको वो मानते थे कि अनडिजायरेबल है ये फालतू के इनको साफ कर दो सिर्फ हम ही रहना चाहते हैं तो ये थी उनकी प्योर नॉर्डिक जर्मन आर्यन सोसाइटी की कैसी हो गई नाउ लेट्स टू द क्वेश्चन क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन हु वर द अनडिजायरेबल्स इन नाजी जर्मनी एंड हाउ वर दे ट्रीटेड हमें यह बताना है कि नाजी जर्मनी में अनडिजायरेबल कौन थे और उनको कैसे ट्रीट किया जाता था द फॉलोइंग पीपल वर अनडेजाइबल इन नाजी जर्मनी में ये अनडेजाइबल थे जेविश जिप्सीज पोलिश एंड हैंडीकैप्ड जर्मन्स यानी कि जो ज्यूज थे वो जिप्सीज थे और पोलिश जो पोलैंड के लोग हैं वो और जो हैंडीकैप्ड जो अनहेल्दी जर्मन कह सकते हैं उनको वो अनडेजाइबल मानते थे और उनके साथ हुआ क्या ऑल द अनडेजाबल्स वर आइदर किल्ड और हैड टू फ्ली द कंट्री या तो उनको मार दिया गया जर्मनी में से या फिर वो देश छोड़कर भाग गए नाउ लेट्स मोटू दिन क्वेश्चन वट वॉज द रेशियल यूटोपिया ऑफ द नाजीज नाजी के एक रेशियल इमेजिनेशन भी थी यानी कि वो एक कल्पना किया करते थे अपनी प्रजाति के बारे में जिसके बारे में ऊपर हमने डिस्कस किया कि वो क्या थी क्या सोचते थे कि ये रेस क्या है कौन पे है कौन नीचे अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल सुपेरियोरिटी ज्यूज़ वर द लोएस्ट लेवल ऑफ द वर्ल्ड कि जो रेशियल सुपेरिटी की बात करते हैं तो उसमें वो मानते थे कि जूज है वो सबसे नीचे हैं जूज वर द रूट कोज ऑफ द ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मनी और वो ये भी मानते थे इस आइडियोलॉजी में कि सारी जो समस्या जर्मनी में है उसका कारण ये ज्यूज है ब्लॉन्ड नोर्डिक जर्मन आर्यन वॉज द बेस्ट रेस अकॉर्डिंग टू द नाजिजम और वो ये मानते थे कि ऑन द टॉप नाजीज वर कंस्टेड ऑन द टॉप अमंग ऑल द रेसेस सभी रेसेस में वो टॉप पर मानते थे जर्मन आर्य को दे वॉन्टेड टू रेडिकेट ऑल दोज दे कंसिडर अनडेजाइबल और जो भी अनडेजाइबल थे मीन्स जर्मन आर्यन को छोड़ करके उनको वो साफ करना चाहते थे उनको मारना चाहते थे सो दैट वॉज देअर रेशियल आइडियोलॉजी थी उनकी नाउ लेट्स मोर द एटींथ क्वेश्चन वट वॉज द कंडीशन ऑफ द यूथ इन नाजी जर्मनी नाजी जर्मनी में यूथ की कंडीशन क्या थी ये हमें बताना है ओके okay? या ये ऐसे भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वट वॉज द नाजी आइडियोलॉजी अबाउट द यूथ यूथ के बारे में उनकी क्या आइडियोलॉजी थी क्या प्लानिंग थी इन नाजी जर्मनी एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड बाई कीपिंग द यूथ इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट रखा जाता था जब जो एजुकेशन दी जाती थी यानी कि उनको एजुकेशन दे देते हुए दे हैड टू फॉलो द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन न्यू करिकुलम डिजाइंड फॉर एजुकेशन और उनको एजुकेशन देने के लिए एक नया करिकुलम बनाया गया था नया सिलेबस बनाया गया था एंड दैट वॉज स्पेशली मेड अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया था यूथ व टोड टू वर्शिप हिटलर वर्शिप वॉर एंड द यूज और उस करिकुलम में सिखाया जाता था हिटलर को पूजा करनी है हिटलर की वर्शिप ऑफ वॉर युद्ध की पूजा करना हैट द ज्यूज की ज्यूज से हमें नफरत करनी है एंड दे वर ऑल्सो टोट अबाउट द नाजी आइडियोलॉजी के बारे में उनको पढ़ाया जाता था पढ़ाया नहीं रटाया जाता था वायलेंस एंड अग्रेशन वर इंस इंस्टिल्ड इन यूथ थ्रो द स्पोर्ट्स टू और जो यूथ थे उसमें स्पोर्ट्स के थ्रू भी जो वायलेंस है एग्रेशन है उनमें कोट कोट के भरी जाती है जैसे बॉक्सिंग जैसे गेम है उनके ऊपर फोकस ज़्यादा था यानी कैसे प्रिपेयर कर रहे थे दे वर प्रिपेयरिंग दीज स्टूडेंट्स एज द एक्टिव मेंबर ऑफ नाजिज्म जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके एक्टिव मेंबर की तरह उनको तैयार कर रहे थे बचपन से स्कूलिंग से इट वॉज़ मैंडेटरी फॉर दीज पीपल दीज स्टूडेंट्स और द यूथ टू जॉइन द नाजी ऑर्गेनाइजेशन और उन नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना भी इनके लिए मैंडेटरी था एंड दे ऑल्सो हैड टू जॉइन द आर्मी लेटर उनको बाद में आर्मी भी जॉइन करनी पड़ती थी दैट टू वॉज मैंडेटरी सो so, ये था नाजी आइडियोलॉजी और द पॉलिसी अबाउट द यूथ की यूथ को कैसे वो तैयार करते थे नेक्स्ट नाइनटीन है वट वर हिटलरस थॉट अबाउट मदरहुड यानी कि मदर के बारे में हिटलर की क्या सोच थी अकॉर्डिंग टू हिटलर द रोल ऑफ द वीमेन इन नाजी सोसाइटी वॉज एज फॉलोज हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंग कि महिलाओं के ये काम होते हैं टू फुलफिल डोमेस्टिक ओपलाइजेशन के घर के काम धंधे करना to teach children nazi values and beliefs it was also considered a uh, very important duty of the nazi women ki ek important duty ye hoti thi ki bachchon ko nazi values aur beliefs hai wo sikhaye unke bare mein bataye many facilities were provided to mothers who gave birth to children of pure aryan race जो शुद्ध जर्मन नस्ल के बच्चों को जन्म देते थे उनको कई सारी फैसिलिटीज दी जाती थी Many discounts were given to those women and अकॉर्डिंग टू नाजी बिलीफ द स्ट्रगल फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वेमेन वॉज रॉन्ग इसके साथ साथ जो नाजी आइडियोलॉजी या फिर हिटलर की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग दैट मैन एंड वेमेन वर नॉट कंसिडर इक्वल उनको बराबर नहीं माना जाता था सो दे कंसिडर दैट द इक्वल राइट फॉर मैन एंड वेमेन वॉज रॉन्ग जो स्ट्रगल थी डिमांड थी वो गलत है दे कंसिडर दैट वीमेन कांट भी इक्वल टू मैन वो ये समझते थे कि महिलाएं हैं वो पुरुष के बराबर हो ही नहीं सकती एंड इट वॉज द ड्यूटी ऑफ गर्ल्स टू बी गुड मदर्स एंड टू गिव बर्थ टू चिल्ड्रन विद प्योर आर एंड ब्लड और जो गर्ल्स को भी यही सिखाया जाता था कि उनकी मेन ड्यूटी है कि अच्छी माँ बनना इट मीन्स अच्छी माँ का मतलब ये था कि दे हैड टू टीच वैल्यूज ऑफ द नाजम टू देयर चिल्ड्रन के अपने बच्चों को वो वैल्यूज सिखाए और प्योर जर्मन आरिन बच्चों को जन्म दे नाउ लेट्स टू द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ट्वेंटी है हाउ डिड द नाजी रेजायम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया नाजी रज़ाम में उन्होंने लैंग्वेज और मीडिया को कैसे यूज़ किया था अपने प्रचार प्रसार के लिए मीडिया वॉज़ यूज वेरी डेलिबरेटली टू गेन सपोर्ट फॉर गवर्नेंस एंड स्प्रेड द नाज़ी वर्ल्ड व्यू यानी बड़े ध्यान से सोची समझी चाल के तहत सपोर्ट प्राप्त करने के लिए नाजी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए मीडिया का यूज़ किया गया था टू स्प्रेड नाजी आइडियाज़ पिक्चर्स फिल्म रेडियो पोस्टर अट्रैक्टिव स्लोगन्स कमर्शियल सीन्स वर वैवली यूज इसके लिए सब कुछ का यूज़ किया गया रेडियो का भी टी वी का भी मूवीज़ का भी पोस्टर का भी स्लोगन का भी कमर्शियल सीन का भी ताकि नाजी आइडियोलॉजी है वो पॉपुलर हो लोगों के बीच में दे यूज मिसलीडिंग लैंग्वेज फॉर दिस टू और इसके लिए उन्होंने मिसलीडिंग लैंग्वेज भी यूज़ की थी जैसे कि पूरे वर्ल्ड को पता ना चले कि हो क्या रहा है जर्मनी में जैसे दे यूज़ द टर्म फ़ाइनल सोल्यूशन अब फाइनल सोल्यूशन का मतलब कोई समाधान होगा ऐसा ही होना चाहिए ना बट द फाइनल सोल्यूशन वॉज द टर्म यूज़ टू हैंग द और टू किल द जूज़ ज्यूज को मारने के लिए फाइनल सोल्यूशन वर्ड यूज़ किया जाता था सो दे यूज़ द मिसलीडिंग लैंग्वेज टू ड्यूरिंग देयर प्रॉफगेंडा अपने प्रचार प्रसार में उन्होंने मिसलीडिंग लैंग्वेज भी यूज़ की थी

लाखों की संख्या में जो ज्यूज़ थे उनको मार दिया गया था दीज मर्डर्स वर ऑर्गेनाइज बाय द नाजी पार्टी ऑफ जर्मनी लेड बाय द एडोल्फिटर कि ये किसके द्वारा किए गए थे ये मर्डर किए गए थे नाजी पार्टी के द्वारा जिसके लीडर थे एडोल्फ फिटलर ड्यूरिंग दिस पीरियड 60 लाख ज्यूज एंड नियर अबाउट टू लाख जिप्सीज एंड टू मिलियन मीन्स 20 लाख पोलिस पीपल वर मर्डर्ड यानी कि लगभग 90 लाख के आसपास जो लोग थे उनको मारा गया था और इसको हॉल कहा जाता है सो दैट्स ऑल इन दिस लॉन्ग वर्कशीट काफ़ी लेंथी वर्कशीट थी लेकिन क्वेश्चन हमारे ईजी थे ट्राई किया कि आपको शॉर्ट में बताया जाए ट्राई किया कि हम ज़्यादा डिटेल में भी ना जाएं। आई होप आपके सभी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ क्योंकि लेंथी वर्कशीट थी तो एक छोटा सा कमेंट भी जरूर छोड़ना थैंक यू बाय बाय हैव ए नाइस डे